दुनिया में जब बात धर्मों की आती है तो इसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जुडिज्म जैसे धर्मों की गिनती होती है। लेकिन इनमें से इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा बल्कि खुद प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है। और इसीलिए आज हम इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे कि दुनिया के ऐसे कौन से ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आने वाले 2060 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स की होने वाली है, जिसमें ईसाई धर्म पीछे छूट जाएगा। रिपोर्ट में दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों का हिस्सा 24% के आसपास बताया गया है और दुनिया भर में तकरीबन 1.8 मिलियन मुस्लिम आबादी है, जबकि ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 2.4 मिलियन है। और प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक आने वाले साल 2060 तक मुसलमानों की आबादी 73% की दर से बढ़ेगी, जबकि ईसाइयों की आबादी 35% की रफ्तार से ही चलती रहेगी। और अगर बात दुनिया के किसी कोने में मुस्लिम्स के सबसे ज़्यादा रहने की बात की जाए तो ये एशिया पैसिफिक रीजन है। यहाँ मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन 62% के आसपास है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स पॉपुलेशन 2030 तक 439.5 मिलियन के अराउंड हो सकती है। और अगर बात अभी के यूरोप में मुस्लिम आबादी की जाए तो ये 44 मिलियन के आसपास है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में मुस्लिम्स 6.2 मिलियन 2030 तक हो सकते हैं और 4 मिलियन लैटिन अमेरिका में मुस्लिम्स के होने की संभावना है। अब इसमें भी अगर भारत का हाल जानने की कोशिश की जाए तो इसके भी कुछ आंकड़े निकल कर सामने आए हैं। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन इंडिया विद 14.2% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड रफली 172 मिलियन। और 2024 में भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ होने की संभावना है। अब अगर बात दुनिया के उन देशों की जाए जहां तेजी से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाइजीरिया की। यहां 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 105 मिलियन मुस्लिम्स रह रहे हैं और इसके बाद भी 2050 तक नाइजीरिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 120% तक बढ़ने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। साल 2050 तक पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी 36% बढ़ जाएगी। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2050 तक पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी करीब 7.5 करोड़ के आसपास बढ़ सकती है और ये बढ़कर 28 करोड़ के आसपास हो सकती है। इन देशों में अगला नाम है इराक का। अगर इस मुल्क की बात की जाए तो 2050 तक 94% के हिसाब से यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाली है। और इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात जानते हैं क्या? खुद इराकी मिनिस्ट्री ने एक एस्टिमेट जारी किया है जिसमें इन्होंने 2030 तक 50 मिलियन और 2050 तक 80 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ करने का दावा किया है। और अब अगर बात करें नाइजर जैसे देश की तो इस अफ्रीकी देश में 2050 तक 148% मुसलमानों का इजाफा होने वाला है जो करीब 54 मिलियन के आसपास होगा। हालांकि अभी फिलहाल 60% शिया मुसलमान यहाँ रह रहे हैं और तकरीबन 42% मुसलमान सुन्नी हैं। और अब आखिर में बात करते हैं भारत की। तो भाई भारत अभी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 40% यानी 10 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पार कर जाएगी। माना जा रहा है कि 2050 तक भारत की कुल आबादी में मुस्लिम पॉपुलेशन का हिस्सा 18.4% होने वाला है। हालांकि तब भी हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा रहेगी। तो ये थी मुस्लिम देशों की वो रिपोर्ट जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रह रही है और आगे कैसे बढ़ सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।